हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज का व्लॉग शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे हमारे आ चुके हैं कड़ी चावल। वरदान की हालत खराब हो रही है और ये चम्मी बैठी है मेरे साथ। मैंने बैठी रहती सारा दिन खाने की भूखी। देखो गुस्से में टुक टुक कितना गुस्सा हो रहा है। देखियो एक तो आटा खुआ ना रही, ऊपर तो गुस्सा देख सांप की तरह नाड़ निकाल रही है। आज क्यों हो रहा है इसका? अपना जो सबका स्मार्ट सूट के नाम से अपना लोग आया करेंगे और दो तीन लोग है ना मैंने कमेंट के जवाब देने हैं जो भरे जा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो पे वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, पहले तो उनको बताओ, मैंने अपने गिरेबान में तब जाकर देखो तब की हो। पहले खुद के अंदर जाके करो क्या है क्या नहीं है, फिर वीडियो बना के डाल लिया करो भाई हाँ फलाने बंदे ऐसा तिगड़ा बंदा। जब अपना आपा सही यूं नहीं होता ना तो दूसरे के बारे में अपनी बात नहीं बोलने की। ठीक है, और जो माँ बापा को अपना मुझे मार लग रहे हैं भाई माँ बाप नू फलाना लू तिगड़ा लू सोच समझ कर बोलो। मैं नाम नहीं लेना चाहती आपका ब्लॉग में, आज जिस दिन नाम ले दिया ना उस दिन लोग आपने थूकेंगे। ठीक है, तारे माँ बापा ने शादी करी होगी दो दो तीन तीन। अरे चल मान लिया गलती किसी को हुआ तो फिर माँ बापा ने क्यों दसो बीच में? माँ बापा ने तारा की कर दी है, मैं तो दुनिया में भी नहीं है जो उनके बारे में आप बात करना रहे हो। कुछ तो थोड़ा शर्म आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो शर्म हो कर ले। जिंदा जी तो बंदा छोड़ता है कोई, मरे बाद भी नहीं छोड़ता कोई किसी ने, मरे पाचे भी उसने गलियाँ हिंदी में लोग रनू को निकाली। उस बंदे ने तारा कर दिया, तारा कुछ ले गया या तारा तो कुछ बोल गया, फिर जो बंदा गाली देता भी अच्छा लगा भाई हंस के माँ बाप ने गाली दी। तारे भी माँ बाप है तो कोई गाली दे तो इतना ही चोट में दर्द होगा जिस तरह तमने और गाली देने लगे तम। ठीक है, लड़ाई किसी गल तो किसी गल उस गल बोलो ना, फिर लड़ाई और किसी गल क्यों करो? फिर कहोगे तमें मुँह उठा के आ गई है बोलने लग गई है बड़ 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 बड़े एसी में से आईसीयू में से आ गई है बुढ़ी आ गई है बुढ़ी। अरे बुढ़ा तो सबने होना है यार, मैंने कितनी बार तो कह लिया बुढ़ा होना है सबने ही, जवान कोई नहीं रहेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल बेटा बुढ़ा होना, बचपन गया जवानी आई जवानी गए बुढ़ापा आया, आखिर बुढ़ापा ही है। ठीक है, नू नहीं है उम्र पट्टा लिखवा कर ले आप जवान से जवान ही रहोगे। इस उम्र में सबने आना बेटा बुढ़ापा तो सबने ही देखना है, जवानी में जानते रहे मर गए तो उसके तो कह नहीं सकता कोई, बुढ़ापा तो फिर दिखाना ही है आराम ना। ठीक है, जवानी तो क्या करना है, बुढ़ापा खेल के खोया जवानी टपा दी और बुढ़ापा देख के रोया, बुढ़ापा देख के तो आप फिर रोना आ जाएगा भाई कोई करेगा नहीं सेवा। आज के कलयुग में कोई नहीं सेवा करता किसी की भी। ठीक है, एक श्रवण कुमार पैदा होता है जो अपने माँ बापा की सेवा करता है, नहीं तो कोई नहीं जात तो अपने माँ बापा की, कौन माँ बाप किसके माँ बाप, ब्याह दिए चाह दिए सब कुछ होगा पर माँ बापा की कदर का नहीं होता। बात किसी की होती है माँ बाप से बोलना छोड़ देते हैं। ठीक है, बात किसी की नहीं बात माँ बाप से बोलना छोड़ देते हैं। अरे वो भी तो सोचो दिल पर पत्थर रखा है, उनके भी तो माँ बाप है, उनके माँ बाप पर इज्जत हो जाए, हम किसी के माँ बाप नहीं है, उनके माँ बापा के तो मिनट में तो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी बात पूरी हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा, उनके माँ बाप संस्कार ही है हम बदनाम है। क्या करे, सही कहा किसी ने, किसी ने कितना ही अच्छा कर लो कितना ही पाल लो कितना बड़ा कर दो कोई किसी का नहीं है। माँ बाप तो बुरे हैं, बुरे ही रहेंगे कितना भी कर लो औलाद का बुरा मिनट में कहते बुरी। अरे जब माँ बाप बन जाए ना खुद खुद ने भी नहीं पता हों भाई माँ बाप की इज्जत नहीं थी क्यों हुआ है, अहमियत क्यों होती है माँ बाप की।
उन्होंने भी नहीं पता चलता भी हाँ माँ बाप अंबड़ चुके हैं ना। हाँ कोई भी लगा लो माँ बाप सब पड़ा है पर उन्हें एहसास हो जाए भी हम माँ बाप बढ़ चुके हैं किसी के माँ बाप की कदर का नहीं पता किसी ने माँ बाप के पर हम ना मर के हमारे सासू ससुरे भी हमारे माँ बाप भी कदम हमने उनका ऐसे का कम मौका नहीं दिया था कभी भी भाई। हाँ अपनी सास तो इतनी अच्छी थी भगवान कर बस रुक ना मैंने रख मैं इतनी अच्छी थी मैंने कहूँ भगवान सब ने ऐसी सास दी वैसे ऐसी मेरी थी पर भगवान क्या करें ना अच्छा दिन तो भगवान भी ले लिया जिसने कदर हो माँ बापा की उसने आराम छोड़ता नहीं है जिसने की कदर ही नहीं उसने आराम उठाता भी नहीं कदर को उठा ले तो भी बढ़िया है। अब तक हम संस्कार लोग दवाई थे हमारे संस्कार हमारे तो थे उन्हें किसी प्रकार के संस्कार हम तो गंद है गंदी रहेगी सही कहे है औलाद ना पाड़ पोस का बड़ा कर और